कांग्रेस ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बुधवार को सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रमुख विपक्षी पार्टी ने ये कहते हुए बढ़ी कीमतों को तत्काल वापस लेने की मांग की है कि कोरोना महामारी और आर्थिक संकट के समय देश के आम लोगों को राहत मिले। पार्टी ने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में बहुत ज्यादा गिरावट आई तो फिर सरकार को मुनाफा कमाने के बजाय देश की जनता को इसका फायदा पहुंचाना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने #LPG प्राइस हाइक के साथ एक खबर का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अन्नदाता के साथ अन्नपूर्णा पर भी वार, और कितना करोगे देश को लाचार। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिए तंज कसते हुए मोदी सरकार से पूछा कि किसके अच्छे दिन मोदी जी। किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली बॉर्डर बंद किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट और दो अन्य की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया कि बॉर्डर सील कर दिया गया है। शाहीनबाग केस में दिए फैसले का हवाला देकर कहा गया कि वहां से किसानों को हटाया जाना चाहिए और बॉर्डर खाली कराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के आसपास के किसानों का प्रदर्शन जल्द ही राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा और ऐसे में अदालत चाहती है कि कमेटी का गठन हो जो दोनों पक्षों के बीच बातचीत से मामले को निपटाए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में मिली सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश पर नजरें टिका दी है। ओवैसी ने प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बुधवार को उन्होंने सुहेल देव राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड पर स्थित एक होटल में ओवैसी और राजभर के बीच मुलाकात हुई। राजभर के साथ मुलाकात के बाद वे मीडिया कर्मियों से मिले। यूपी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में सवाल पर ओवैसी ने कहा, अभी हम दोनों आपके सामने बैठे हुए हैं, हम राजभर जी की लीडरशिप में साथ खड़े हैं और काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आपने दावा किया कि वह दिल्ली के विकास मॉडल की तरह ही यूपी का विकास करेगी, वहीं बीजेपी ने दिल्ली के विकास मॉडल पर सवाल उठाते हुए खुली बहस की चुनौती दे दी। बीजेपी के मंत्रियों की खुली चुनौती को दिल्ली के डेप्यूटी CM मनीष सिसोदिया ने स्वीकार किया है। मनीष सिसोदिया ने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल बनाम दिल्ली के सरकारी स्कूल पर खुली बहस की चुनौती कल बीजेपी के मंत्रियों ने दी थी, हमें यह चुनौती स्वीकार है।